देख बिना ब्रेक डाउनलोड टक ऐप। दिसंबर 2019 को भारत और अमेरिका के विदेश और रक्षा मंत्रियों के बीच 2+2 वार्ता हुई थी। जिसमें दोनों देशों के बीच एक इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी एग्रीमेंट हुआ था, जिसको लेकर अब अमेरिका के दिग्गज विमान निर्माता कंपनी लॉकहीड मार्टिन एरोनॉटिक्स के उपाध्यक्ष विवेक लाल ने कहा कि इस एग्रीमेंट से दोनों देशों के कारोबारों में भारी बढ़ोतरी होगी। विवेक लाल ने बताया कि ISA से दोनों देशों के बीच व्यापार सुगम होगा। द्विपक्षीय हितों का ध्यान रखते हुए जरूरी लाइसेंस आसानी से मिल सकेंगे। ये समझौता दोनों देशों के संबंधों के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। इससे दोनों देशों के बीच रक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ेगा। विवेक लाल ने दोनों देशों के बीच हुए समझौते को लेकर ये संभावना भी जाहिर की है कि रक्षा संबंधी वस्तुओं के उत्पादन में एक दूसरे पर निर्भरता पैदा होगी। साथ ही दोनों देश शोध और विकास में एक दूसरे का सहयोग करेंगे। लॉकहीड मार्टिन के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि अमेरिका की हथियार निर्माता कंपनियां दोनों देशों के बीच हुए समझौते को बड़ी संभावना के तौर पर देख रही हैं और वे भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर काम करना चाहती हैं। साथ ही भारत अमेरिका संबंधों पर एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि ट्रंप प्रशासन भारत की रक्षा क्षमताओं को प्रभावित नहीं करना चाहता, इसलिए रूसी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की खरीद के बावजूद वो भारत के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। गौरतलब है कि अमेरिका के काट्सा कानून के अनुसार रूस से किसी तरह का हथियार या रक्षा संबंधित जानकारी का लेन देन करने पर संबंधित देश की प्रतिबंध के दायरे में आ जाता है। यहां तक कि अपने नाटो सहयोगी तुर्की पर यही रूसी सिस्टम खरीदने पर अमेरिका ने कुछ प्रतिबंध लगाए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।